ये मटन को हमने 30 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था। अब आप इसका देखेंगे, ऑयल बिल्कुल भी अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर लग रहा है इसका। इसमें हमने लहसुन के दो खड़े खड़े टुकड़े भी डाल दिए थे ताकि जो है इसका एक अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो अभी ये ग्रेवी देखिए, अभी ये थोड़ा सा इसका पानी और एब्जॉर्ब होगा। बताइए। क्लीन कर रहा हूँ जार को। इसमें क्या था? जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको आपने क्या किया, मटन में डाला है? यूज़ कर दिया। यस ओके। ऑयल पूरी तरह निकल चुका है, आप देख सकते हैं, है ना? देखिए नेक्स्ट मसाला। तो दोस्तों, ये हमारा मटन कोरमा लगभग पूरा तैयार हो चुका है। तो मैं आप लोग को जल्द ही जो है एक पूरा कंप्लीट और पूरे प्रोसेस के साथ एक नया व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये मटन कोरमा बनाने की पूरे प्रॉपर विधि जो भी है पूरा प्रोसेस मैं कंप्लीट बताऊंगा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं सारी कुछ डिटेल्स दूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं, आज मैं इसको एंजॉय करता हूं, फिर नेक्स्ट मैं आप लोग को पूरा इसका प्रोसेस बताता हूं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस मटन कोरमा घर में कैसे बनाने के लिए। तो मैं आप लोग को अगले व्लॉग में जो कि कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताऊंगा मटन कोरमा घर पे बनाने का, आसान तरीका, इससे बेस्ट तरीका और आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आप घर पे बनाओगे और आप कम रेट में जो आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, वही मटन कोरमा अगर आप होटल वगैरह में जाके खाओगे तो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। बेस्ट प्रोसेस यही है, आप घर पे खाओ, पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये मटन कोरमा एंजॉय करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताते हैं। ओके, बाय बाय।